हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बताऊंगा व्हाट्सएप डिलीट कॉल हिस्ट्री कैसे निकाले। व्हाट्सएप डिलीट कॉल हिस्ट्री रिकवर 2024। व्हाट्सएप पे अगर आपने अपना कॉल हिस्ट्री को डिलीट कर दिया, इसके आप लोग मेरे यहाँ पे कॉल हिस्ट्री यहाँ पे शो करा, लेकिन मैंने कुछ देर पहले अपना कॉल हिस्ट्री को गलती से डिलीट कर दिया था, रिमूव कर दिया था। मैं आपको कॉल हिस्ट्री को वापस ला के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं अपना कॉल हिस्ट्री को डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक करना है। डू यू वॉन्ट क्लियर योर एंटायर कॉल लॉग, जिसे आप ओके पे क्लिक कर लेते हो, गलती से आपका जो कॉल हिस्ट्री यहाँ से रिमूव हो जाता है। मैं आपको कॉल हिस्ट्री को रिकवर करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कॉल हिस्ट्री को रिकवर करने के लिए आपको व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन करना है। व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। ऐसे थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग्स, तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐसे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका प्रोफाइल शो कर जाएगा। देन आपको नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चैट्स, तो आपको इस चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसे आप चैट्स पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लोडिंग लेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा नीचे की तरफ चैट बैकअप, तो आपको चैट बैकअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसे आप चैट बैकअप पर क्लिक करोगे, यहाँ पे लोडिंग लेगा, कुछ तरह का इंटरफेस आ जाएगा। चैट बैकअप, बैकअप सेटिंग, तो यहाँ पे आपका जो बैकअप वो ऑप्शन ऑन होना चाहिए। अगर आपको व्हाट्सअप बैकअप किसी लेते हैं नहीं आता है, तो मैंने वीडियो बनाया, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपका व्हाट्सअप का बैकअप वाला ऑप्शन ऑन होगा, तभी आपका डिलीट कॉल हिस्ट्री वापस आने वाला है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होता है गूगल अकाउंट, तो आपको इस गूगल अकाउंट जो यहाँ पे शो कर रहा है जीमेल आईडी, ये आपका फ़ोन में लॉगिन होना चाहिए, तभी आपका डिलीट कॉल हिस्ट्री को रिकवर कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, व्हाट्सअप से बाहर आ जाना है। व्हाट्सअप से बाहर आ जाने के बाद आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होगा सेटिंग, तो आपके फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है। फ़ोन के सेटिंग में आ जाने के बाद आपको नीचे तरफ आ जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ढूंढ लेना है ऐप्स, तो मेरे यहाँ पे ऐप्स एंड परमिशन शो कर रहा है। मैं आपको ऐप्स पे क्लिक करता हूँ, जिसे मैं ऐप्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा ऐप मैनेजर, जिसे आप ऐप मैनेजर पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका सभी एप्लीकेशन शो कर जाएगा। मेरे यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप को ढूंढ लेना है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। तो व्हाट्सअप को ढूंढ लेने के बाद आपको व्हाट्सअप पर टैप करना है। ऐसे आप व्हाट्सअप पर टैप करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा स्टोरेज, तो आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है। ऐसे आप स्टोरेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा क्लियर कैची क्लियर डाटा, तो आपको सबसे पहले क्लियर कैची पे क्लिक करना है। देन आप क्लियर डाटा पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ओके, तो आपको क्लियर डाटा कर लेना है। ठीक है, क्लियर कैची क्लियर डाटा कर देने के बाद आपको व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जिसे आप व्हाट्सअप को ओपन करोगे, यहाँ पे आपको लॉग इन करने के लिए बोलेगा वेलकम टू व्हाट्सएप, तो आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया हूँ। लैंग्वेज को सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेलकम टू व्हाट्सएप, तो आपको अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर को एंटर कर देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा। आप कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कॉन्टैक्ट एंड मीडिया, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ऐसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा अलाउ व्हाट्सअप टू एसेस योर कॉन्टैक्ट, तो आपको अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ व्हाट्सअप टू एसेस फोटोज एंड मीडिया ऑन योर डिवाइस, तो आपको अलाउ पे क्लिक करना है। ऐसे आप अलाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लोडिंग लेगा और आपका बैकअप के लिए लुकिंग करेगा, लुकिंग फॉर बैकअप, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है। देन आपके सामने का ऑप्शन आ जाएगा रिस्टोर स्किप, तो आपको रिस्टोर पे क्लिक करना है। गलती से स्किप पे मत क्लिक करना, आपका बैकअप नहीं होगा। जिसे आप रिस्टोर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका बैकअप लेना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करेगा रिस्टोर योर चैट टुडे, यहाँ पे आपका साइज शो कर जाएगा। यहाँ पे मेरा 20 MB शो कर रहा है, आपका GB में होगा तो आपका थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो सिर्फ 20 MB का है, तो ये जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे फिनिशिंग शो कर रहा है 99%। देन आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फिनिश रिस्टोरिंग योर मैसेज, योर मीडिया विल रिस्टोर इन द बैकग्राउंड व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, तो आपको रिस्टोर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप रिस्टोर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लोडिंग लेगा, यहाँ पे आपका प्रोफाइल शो कर जाएगा। यहाँ पे देखते हैं मेरा जवाब शो कर रहा है। देन आपको क्या करना, नीचे की तरफ शो कर जाएगा ऑप्शन नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऐसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका कनेक्टिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। देन आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अ पास की टू मेक योर नेक्स्ट लॉग इन ईजियर, तो आपको स्किप पे क्लिक कर लेना है। ऐसे आप स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लोडिंग लेगा इनिशियलाइजिंग प्लीज़ वेट अ मोमेंट, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपका व्हाट्सअप लॉगिन हो जाएगा। मैं आपको कॉल पे ले आता हूँ, इसी मैं कॉल पे टैप करता हूँ, यहाँ पे तो मेरा कॉल हिस्ट्री यहाँ पे सक्सेसफुली वापस आ चुका है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप व्हाट्सअप डिलीट कॉल हिस्ट्री को निकाल सकते हो 2024 में और रिकवर भी कर सकते हो। इस प्रोसेस को तभी करना है अगर आपका फ़ोन में
चैट बैकअप वाला ऑप्शन ऑन होगा, नहीं तो आप बिल्कुल भी ये प्रोसेस मत करना, आपका पूरा का पूरा डाटा गायब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप व्हाट्सएप डिलीट कॉल हिस्ट्री को रिकवर कर सकते हो 2024 में। सो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार रखता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम्स या इशूज़ आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरा यूज़र नेम है शेख जवाद अली। तो सबसे पहले आपको मुझे मैसेज करना है फॉलो करके। जय हिंद, वंदे मातरम।